साथियों, अब आप देखेंगे आज़ादी के तराने का तीसरा भाग। अभी तक आपने देखा कि 1857 में शुरू हुई आज़ादी की लड़ाई ने किस प्रकार से एक व्यापक रूप लिया और पूरा भारतवर्ष आज़ादी की लहर से स्पंदित हो गया। सब भारतवासियों ने मानो आज़ादी का बिगुल बजा दिया। इधर अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भारत के विद्रोह को कुचलने की लगातार कोशिश की। पहले उन्होंने मंगल पांडे की हत्या की, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई, इधर बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरकर उन पर मनमाने अत्याचार करने शुरू कर दिए। अंत यहां पर ही नहीं हुआ, अति तो तब हो गई जब जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों को अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से भून डाला। पूरी धरती में खून 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 फैल गया, त्राही त्राही मच गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि इस प्रकार से भारतीयों के विद्रोह का दमन करके वे भारतीयों को कुचल